उन्होंने जो वादा किया था उसमें हमको जो दिखता है बड़े बड़े वादों में से जो बड़े बड़े वादे ज्यादातर पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा था सरकार, मोदी सरकार ने कहा था काला धन हम लेके आएंगे 100 दिन में लेके आएंगे, क्या अभी तक आया? उस पर तो पब्लिक को आज तक भी अंधेरे में है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आएगा या नहीं आएगा, क्या हो रहा है, वो आज तक पब्लिक को मालूम ही नहीं पड़ा है, बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा है कि वो काला धन के मुद्दे पर ही ये सरकार आई थी और वो आज तक उसकी कुछ खबर नहीं है। नोटबंदी इतना बड़ा नोटबंदी एक हमारी आम पब्लिक के हिसाब से एज ए बिजनेसमैन मुझे लगता है कि ज्यादातर पब्लिक परेशान हुई। पब्लिक परेशान जी जी, नोटबंदी से काला धन लौटा कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी दिखा नहीं। नहीं, नोटबंदी में हमको परेशानी हुई एज ए बिजनेसमैन। हमको GST का सिस्टम अभी तक भी समझ में नहीं आया कि स्लैब बाय स्लैब हमको कैसे भरना है, हमको अभी भी समझ में नहीं आया। मैं एक GST पेयर हूँ और मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि हमको क्या करने से हमको कितना भर पड़ जाएगा, कितना फायदा कितना नुकसान है, समझेगा। तो और क्या आपकी वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगे आप? नहीं, हम तो वोट आप काम करिए और वोट मांगिए, मंदिर मस्जिद के नाम पर मत मांगिए। ये तो हमारा पहला संदेश है, मंदिर मस्जिद में मत मांगिए, आप वो काम करिए और जो वादा करते हैं कम से कम 70-80% तो पूरे होने चाहिए, 100% तो कोई भी नहीं कर पाता, कम से कम 70-80% होने ही चाहिए।